नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने और चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरटी 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 एक गए के आधार पर जो गैर सरकारी विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। तो हम बात करेंगे विस्तार से कि किस प्रकार क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार आवेदन करना है और किस प्रकार प्रवेश दिलाएँ, कहाँ से आवेदन करें, क्या योग्यताएँ हैं, कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, उन सभी की बात आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर कर देना। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसे दबा लें, जिससे इसी तरह के अच्छे वीडियो आपके पास तुरंत सूचना पहुँच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, या जो दुर्बल वर्ग है, असुविधाग्रस्त समूह है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवा वर्ग से कोई अनाथ हैं, विकलांग है, और जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से वार्षिक से कम है, वो इनके लिए योग्य हैं। दोस्तों इतने दिन था कि पूरा जो प्राथमिक कक्षा होती है प्री प्राइमरी, उनमें भी प्रवेश होता था, लेकिन कुछ परिवर्तन कर दिए हैं और पहली कक्षा से, प्रथम कक्षा से अब प्रवेश होगा। और प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी जो पात्रता है वो कक्षा फर्स्ट के लिए ही आवेदन होगा, और उसकी आयु कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए। वो भी कब, ये जो 31 मार्च 2020 है इसको 5 वर्ष की आयु पूर्ण की होनी चाहिए, मतलब 31 मार्च 2020 तक वो 5 वर्ष का हो जाना चाहिए, और अधिकतम आयु है वो क्या है, 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आयु की बात, हमने योग्यता की जो आय की बात कर ली है, वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पे हम देखते हैं कि विद्यालय की प्रोफाइल जो अपडेट है वो 8 जुलाई 2020 तक हो जाएगी। इसके बाद अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो 9 जुलाई 2020 से 24 जुलाई 2020 तक ये प्रक्रिया ऑनलाइन की चलेगी, जिसमें हम 9 जुलाई से 24 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन जो लॉटरी होगी वो कब होगी, 30 जुलाई 2020 को ऑनलाइन लॉटरी बताई जाएगी किसका नंबर आया है किसका नहीं। वो लॉटरी कौन करेगा, राज्य स्तर पर जो NIC द्वारा है वो लॉटरी की जाएगी। अभिभावकों द्वारा लॉटरी उपरांत इच्छित विद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना कब तक है, 7 अगस्त 2020 तक वो उपस्थित होकर प्रवेश रिपोर्ट दे सकते हैं। बालकों का विद्यालयों में प्रवेश, जो अब विद्यालय मिले हैं, हम जो आवेदन करते हैं उसमें हम 15 विद्यालय चूज कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से विद्यालय चाहिए। अब जो विद्यालय हमें मिला है उनमें हम 7 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020 तक हम उसमें प्रवेश दिला सकते हैं। निःशुल्क प्रवेशित और शेष 75% जो सीट बची है उनका वेब पोर्टल पर जो एंट्री होनी है ऑनलाइन वो होगी 7 अगस्त 2020 से 31 अगस्त साथ साथ चलेगी। दोस्तों मैं अब आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, एक नंबर। दो नंबर, बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा, बच्चे की 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। माता पिता का जो आय प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। राशन कार्ड जो है वो भी होना चाहिए। माता पिता का आधार कार्ड वो भी चाहिए। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स में माता पिता का आधार कार्ड है वो उपलब्ध रहता ही है, घर पर मिल जाएगा। राशन कार्ड वो भी मिल जाएगा। माता पिता का आय प्रमाण पत्र कोई भी ज़्यादा समय नहीं लगता, तुरंत बन जाता है। जाति प्रमाण पत्र बनाना है वो भी 2 दिन में बन जाएगा। मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी 2 दिन में बन जाएगा। बच्चे की 2 फ़ोटो वो उपलब्ध हो जाएगी। बच्चे का आधार कार्ड बनाना है वो या तो बना हुआ होगा आपका या नहीं है तो वो बना लीजिए। बच्चे का जन्म पत्र वो भी 21 दिन में बनता है, या अब बनाएं तो वो भी सामान्य सी प्रक्रिया, ई मित्र के माध्यम से आप आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ ही जो गैर सरकारी विद्यालय आपने चुना है वह बालक उसके आसपास का होना चाहिए, मतलब उस विद्यालय के आसपास के निवास करने वाला होना चाहिए। इसके साथ ही बालक दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह से होना चाहिए, इसकी बात हमने कर ली है। उसमें दुर्बल वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो अनुसूचित जाति के बालक जो हैं वो आते हैं, अनुसूचित जनजाति के बालक हैं वो आते हैं, अनाथ बालक हैं, HIV कैंसर से प्रभावित बालक, HIV कैंसर से प्रभावित माता पिता, संरक्षक के बालक ये आते हैं, कोई युद्ध में सैनिक शहीद हुआ उसके बालक, विधवा के बालक। निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
मूल निवास प्रमाण पत्र के अलावा राशन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स भी निवास प्रमाण पत्र में चल सकते हैं। निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जिस वर्ग का है, जैसे हमने बात कर ली है जाति प्रमाण पत्र इसकी, और निःशुल्क प्रवेश हेतु आय के सबूत के लिए दस्तावेज जो हमने बात कर लिया आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सामान्य जानकारी थी, कोई भी ज़्यादा हार्ड जानकारी नहीं है, आराम से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो जो जानकारी चाहिए आप वीडियो को आराम से दोबारा देख सकते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आराम से देख लीजिए। अगर आपको ये PDF चाहिए, जो आप ये PDF देख रहे हैं, ये PDF आपको चाहिए तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा। उस ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो यहाँ पर नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हमारे जो वीडियो का टाइटल है उस पर क्लिक कीजिए, जिससे नीचे जो डिस्क्रिप्शन खुलता है वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आराम से पूरी जानकारी आराम से पढ़िए, उसके बाद जो भी आपके पास में कोई मित्र आदि जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं उनके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए, और आराम से 9 जुलाई से 24 जुलाई तक ऑनलाइन करना है, और उसके बाद 30 जुलाई को लॉटरी खुल जाएगी, उसमें आपका नंबर आए तो आपको किसी भी जो आपने 15 स्कूल चूज किए उसमें आप एडमिशन करा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पास में जो बेल आइकन है घंटे का चिन्ह उसको दबा लीजिए, जिससे अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।